नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। तो ये कार जो है अभी स्टार्ट हो रही है, ये जैसे स्टार्ट हो रही है यहाँ पे आप देखेंगे कन्वर्टर है, इंटरनल कन्वर्टर है। तो कन्वर्टर पे कार अभी स्टार्ट हो रही है। जैसे मैं कार को क्रूजिंग मोड पे लेके आऊंगा, मैंने जैसे आपको बताया था कि जब मुझे सडन एक्सेलरेशन की जरूरत है तब ये बैटरी है और इंजन है, इन दोनों की जो मिक्सचर है उसकी जो एनर्जी है उससे जो है वो कार चलना शुरू हो जाएगी। तो दैट इज अगर आप देखेंगे ये बैटरी और ये इंजन दोनों की मिक्सचर की कॉम्बिनेशन ऑफ पावर से जो है गाड़ी चल रही है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अब मैं आपको बताता हूँ सिर्फ ईवी मोड पे कैसे चलेंगे। अगर मैं आपको ब्रेकिंग के बारे में बता रहा हूँ कि जैसी गाड़ी ब्रेक लगा रही है जो ब्लू लाइट देख रहे हैं ये ब्लू लाइट है, जो इलेक्ट्रिक लाइट है हमारी, जो इलेक्ट्रिक पावर है हमारी वो कन्वर्ट हो रही है और ये सारा जो है कन्वर्टर को जो अपनी पावर दे रही है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम। और इसके बाद अगर हम रिवर्स की बात करेंगे, रिवर्स करने के लिए गाड़ी को इंजन की ज़रूरत नहीं है, रिवर्स की गाड़ी को उसकी जो इलेक्ट्रिक पावर है उसी से वो रिवर्स होगा। टॉक अबाउट ब्रेकिंग ऑफ द कार में सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस होती है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट अगर हम 60 की स्पीड पे हैं और हम 60 से 0 पे आ रहे हैं तो सारी जो एनर्जी है वो लॉस हो रही है इन द मीन टाइम। बट हाइब्रिड व्हीकल में क्या होता है कि वो एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होती है, वो एनर्जी स्टोर हो जाती है बैटरी के अंदर, उससे बैटरी जो है वो बाद में पावर देती है हमको जो हमें बैटरी की जरूरत होती है। थैंक यू। हाइब्रिड जो हमारा मॉडल है, जो हमारा हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें जैसे कि आप देखेंगे ना, दैट विल बी अराउंड सितंबर, अगस्त एंड सितंबर, आफ्टर दैट वी कम टू व्हाट इज द मेन मोटो टू लॉन्च दिस हाइब्रिड कार। सॉरी, क्या उद्देश्य क्या है हाइब्रिड कार लेकर? जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो अभी इंडस्ट्री है और हमारा जो अभी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा जरूरत है हाइब्रिड सेगमेंट में, क्योंकि हाइब्रिड सेगमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया 27.97 के किलोमीटर की एवरेज है, प्लस ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी है। सो टोयोटा का जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का जो हमारा जो आगे लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो ये कार बहुत अच्छे से जो है वो यूज़ कर पाएगी। जैसे कंपटीटर इलेक्ट्रिक कार भी लेकर आ रहे हैं, तो आपके इसमें भी कोई इलेक्ट्रिक कार का किसी प्रकार का प्रावधान कोई करके सोच रहे हैं किसी प्रकार का? सर फिलहाल तो वी आर ऑल इनटू हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार। अगर मैं बोलूँ यस, इट्स अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, बट आई थिंक जो हमारा करंट सिनेरियो है, जो अभी हमारी इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है वो अभी इलेक्ट्रिक के लिए इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। हाइब्रिड इज अ वेरी बेस्ट कार थिंग राइट नाउ। इलेक्ट्रिक के लिए हमें बहुत सारा और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अभी हमारी कंट्री के लिए, जो आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा है। राइट नाउ करंट टाइम के लिए हाइब्रिड सबसे टोयोटा जापान की गाड़ी है। जापान टोयोटा दुनिया का नंबर वन ब्रांड है। मैं दुनिया के बारे में बात करूँ तो नंबर वन सिर्फ टोयोटा के, अगर मैं उसके हिसाब से बात करूँ तो जापान इज अ कंट्री विच इज वेरी अगर मार्केटिंग की बात करें तो करंट ईयर अगर हम करते करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो क्या टारगेट आपका अब तक अचीव कर चुके हो? सर बुकिंग्स हमारी ओपन हो चुकी हैं फ्रॉम पास्ट वन वीक, तो वन वीक से जो हमारी बुकिंग्स है वो काफ़ी अच्छी आ रही है एंड वी आर रिसीविंग ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स। तो हमारी बुकिंग हमारे सारे 11 शोरूम्स में अवेलेबल है और वहाँ पर हम ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स दे रहे हैं सारे। तो इसमें कुछ वेटिंग टाइम भी रहेगा बुकिंग के बाद लॉन्च होने के बाद? वेटिंग टाइम रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअल जो गाड़ी का लॉन्च होगा वो सितंबर के बाद होगा। सितंबर के बाद जो है प्रोडक्शन के लिए हमारे पास गाड़ी आएगी, उसके बाद हम वेटिंग के बारे में आपको बता पाएंगे क्या वेटिंग होगा। अच्छा, एक चीज़ और है इस गाड़ी में, ये 25 किलोमीटर तक की ईवी मोड पर चलेगी ऑटोमेटिकली, ऐसा कुछ है? सर इस पर ऐसा है कि 60% ऑफ द टाइम जो है वो इलेक्ट्रिक मोड पर चलेगी, 40% ऑफ द टाइम उसमें। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ हाइब्रिड हमारी टेक्नोलॉजी क्या है। दिस इज अवर हाइब्रिड मॉडल। इस मॉडल में ना बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है कि हमारी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ कैसे करते हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो गाड़ी को चलाती है। तो वो कैसे चलाती है इस टेक्नोलॉजी में पूरा एडवांस यूज हमने बताया। सो आफ्टर दिस ये आने वाले टाइम में जैसे इलेक्ट्रिक में ये एक्सचेंज होगी तो कितना फायदेमंद, कितना इलेक्ट्रिक में एक्सचेंज हो सकती है? जब हम पेट्रोल का कह रहे हैं जी, सीधे इलेक्ट्रिक में जा सकती है जी।
सर वो ना एक इसमें ECU लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली डिजाइन ये देखता है कि कब गाड़ी को इलेक्ट्रिक बैटरी की जरूरत है, कब गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत है, कब गाड़ी को दोनों को मिक्सचर की जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली देखता है। उसके बाद जो है वो रन करता है कि अभी मुझे फुली इलेक्ट्रिक में जाना है या मुझे फुली पेट्रोल में जाना है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में जाना है। मैं आपको एग्जाम्पल देके बात कर रहा हूँ, जब हमारी गाड़ी जो है डाउन हिल जा रही होती है, गाड़ी डाउन हिल जा रही है तो सारा जो फोर्स है वो फ्रिक्शन का है, गाड़ी का ज़्यादा जोर नहीं लग रहा है एक तरह से, अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बात करूँ, उस टाइम पे गाड़ी जो है वो फुली बैटरी पे चल रही है, क्योंकि उस टाइम पे इंजन को ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं है। जब गाड़ी की ब्रेक लग रही होती है, जब गाड़ी की ब्रेक लग रही होती है तो एनर्जी जो लॉस हो रही होती है वो सारी एनर्जी जो है वो कार ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करती है। बट जब आपको सडन एक्सेलरेशन चाहिए, आपको क्रूजिंग चाहिए, जब आपको किसी को ओवरटेक करना है या सामने कोई अपहिल आ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, उस टाइम पे गाड़ी इंटेलिजेंटली ये चेक कर लेती है कि अब जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वो हाइब्रिड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी और पेट्रोल एनर्जी की कॉम्बिनेशन में चलाती है, देन विल रिसीव द रिजल्ट्स। वेरी मोहाली फेज 6 स्ट्रोक करना। नाउ वी विल डू द अनविल। फॉर द अनविल आई वुड लाइक टू इन्वाइट मिस्टर परविंदर सिंह, हेड ऑफ सेल्स, टू द अनविल। यार जो पहली फोटो भी मेरी खराब करती है, अच्छी आ ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।